कोरोना अभियान के शुभारंभ के साथ ही जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर राजा इलैया टी ने शहर के तमाम दुकानों का निरीक्षण किया और इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दुकानदारों को चेतावनी भी दी। साथ ही दर्जन भर दुकानदारों पर बिना मास्क रहने पर चलानी कार्रवाई भी की। से किल कोरोना अभियान का है ना शुभारंभ हुआ है। जुलाई 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक है ना ये अभियान चलाया जाएगा। इसका मतलब यह है घर घर हमारी है ना स्वास्थ्य का टीम है ना जाएगी, घर घर है ना मतलब जांच करेगी उनका कोरोना का, मलेरिया का, डेंगू का कोई भी है ना लक्षण है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। उसके साथ साथ हम लोग जनता का अपील करते हैं वो इस सर्वे टीम के साथ सहयोग करें। बट मेन उद्देश्य तो ये है जनता अभी भी कोरोना का प्रिवेंट करने के लिए कितने भी चीज़ें हैं, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना या डिसइंफेक्टेंट के माध्यम से करना या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये जब तक है ना जनता पालन नहीं करेगी तब तक हमारा सर्वे टीम कितने भी है ना मेहनत करे उसका है ना मीनिंग नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने ये समझेंगे इसको हमारी एनफोर्समेंट ठीक ठाक होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नगर निगम, रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तीनों मिलकर लगातार सभी नगरीय क्षेत्र में सभी एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क का, सैनिटाइजर का पालन कराने के लिए विजिट करेंगे, इन्फोर्स कराने के लिए कोशिश करेंगे। उसके संदर्भ में हम लोगों ने कुछ दुकानों में विजिट किया। सर उनका चलान के ना काटा है, मतलब है ना उसमें जुर्माना लगाने के लिए प्रावधान है, ऑर्डर में लिखा हुआ है, वो जुर्माना लगाए हैं, उन लोगों ने पे भी किया है और आश्वस्त भी किया है, मतलब इसके बाद ना वो मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे। सर दुकानें लेट नाइट तक खुली रहती हैं, उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना इन सारी चीज़ों का बड़ा अभाव देखा जाता है मार्केट में। यही एक उद्देश्य था, इस प्रकार का हम लगातार सूचनाएँ मिल रही थी 8 बजे के बाद है ना दुकानें ना खुले रहना और इस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, उसी उद्देश्य से मतलब है ना मैं SP साहब और है ना पूरी टीम DSP सभी लोग आए, मतलब हम हमारे टीम्स हैं कितने भी टीम्स हैं, अभी तो हम लोग ने नगर निगम से 3 टीम्स है ना लगाए हैं इससे, बट इसके अलावा रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी ना अलग से ना कार्रवाई करेगी। लगातार हम जनता से अपील करेंगे और एक दो बार चेतावनियाँ देंगे और जुर्माना लगाएंगे। सो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जागरूकता लाने के लिए ज़रूरी है, मतलब वो अपने आप में स्वयं के अनुशासन के साथ है ना इसका पालन करें, अपना का सुरक्षित रखें और दूसरे को भी है ना सुरक्षित रखा जाए। जैसे आपको बता दें कि जिन दुकानों द्वारा सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग ना करते पाए जाने पर उन पर ₹1,000 का चालान लगाया। साथ ही उन्होंने दुकानदारों सहित लोगों से कोरोना से बचाव के लिए जरूरी नियमों का पालन करने की अपील भी की। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट।